जी अस्सलाम वालेकुम सर, कहाँ से बोल रहे हैं आप? जी वालेकुम सलाम। मैं हुसैन अर्ज कर रहे हैं जनाब। केड़ी जगह तो? मैं डीजी कोरियर जनाब अर्ज कर रहे हैं। अच्छा, ये दसो कि कोरिया चे जिंदगी बेहतर है पाकिस्तान नालों? फिर तुहानू पुछने कि तुसी की कहना चाहते हो, पहले कोरिया दा ते पूछ लिए थोड़ा जा। नहीं जी, बड़ी इतने ठीक है माशाल्लाह। इतने सिस्टम ठीक है ना, तुहानू पता ही है, तुसी ऑलरेडी इन्हें समझ देना मुल्कां नू। अच्छा, की ते कहना इतने चाहोगे, जिंदगी की मैसेज ले आए जी अज? जी मैं मैसेजेस वाले ना बात करना चाहना कि DGSPR दे वाले साहब ना क्यों जी, ना कह के साजिश और मुदाखला दे वाले ना जी ना गल की थी। मैं दे वाले ना थोड़ी एक दो चीजा जान करना चाहना हाँ। वो इस तरह ही कि कौम ते अगे चली गई है ते साडे DGSPR साहब जेड़े ने वो साजिश से मुदाखलत के दरमियान फंसे हुए, जबकि साजिश और मुदाखलत की वजह तो जेड़ा इंपोर्टेंट बच्चा पैदा होया वो उम्र भी 2 महीने हो गई है। क्या बात है, जबरदस्त जबरदस्त जी। इथो इन्हों से पता लगता है कि इन्हों IQ लेवल की है, कि सोच रख रहे, यानी कि कौम अगे चली गई है, साजिश से फंसे हुए ने जब, यानी कि इन्होंने समझते हैं कि शायद साजिश की वजह तो कौम जी इमरान खान के मगरे ना, लेकिन इस चीज को समझ नहीं आ रही कौम किस वजह से इन्होंने इमरान खान के जबरदस्त। जेडे चंद। बाकी जिथे तक फौज के हवाले ना, फौज साडा पाकिस्तान के फौज का समझ लो आवाम का बड़ा एक मजबूत रिश्ता है, बिल्कुल ते इन्हू कोई भी नहीं खत्म कर सकता। नहीं कर ये सकता। चंद लोग ने समझते हैं कि असि अगर वो इन नुकसान पहुंचा रहे हैं तो अपने आप नुकसान पहुंचा रहे हैं। क्या बात ये भी ये फौज के कुछ बंदे गलत हो सकते हैं कि मिसाल मैं इस तरह देना कि एक उस्ताद सी ते वो तालिब इलम ने चोरी कर ली, तो लोग आके शिकायत की थी कि तुहाडा तालिब इलम चोर है, ते उस्ताद ने कहा मेरा तालिब इलम चोर नहीं है, चोर है जिन्हें तालिब इलम का रूप धार लिया। क्या बात, जबरदस्त लिहाजा पाकिस्तान जो हो रहा है, जो ये मिडिल क्लास तबका जेड़ा ने तो पहले इमरान खान के नाल सी, यही इमरान खान के नाल खड़ा होया है। अच्छा ये खड़े होने की वजह लाई जेड़ा है ना, ये समझ लो इन्हें तो प्रेशर आया कि अज इन्हों अपनी ट्वीटा भी जड़िया ना वो समझ लो लोगों ने बंद करा दी। अच्छा एक चीज दसो, तुसी कोरिया दे भेज जे उर्दू उर्दू में बात कर ले जरा हमारा चैनल, क्योंकि मैंने कहा आपने पंजाबी में शुरू किया तो जरा देखते हैं, कोई मसला तो नहीं है? उर्दू च बात तो कर लेंगे, लेकिन पता है आपको हम भी वो झट बुट अच्छा, बंदे हैं तो नहीं कोई फिर चीज पंजाबी जी चल रही, क्योंकि मैं एक मेरे इत्थे कजन सी उन्होंने मैं कहा सो उर्दू बोलते सी घर च, कहता भाजी तो लड़ाई होंगी फिर मैं गाला पंजाबी जी कढ़ना। अच्छा मकसद ये वा कि ओ ए दसो सर कि पूरा तमाशा चल रहा इस टाइम जी। कोरिया च, तुसी बैठे जे, मैं यूरोप च बैठा, कोई अमरीका बैठा, कोई अफ्रीका बैठा, कोई पाकिस्तान बैठा। अच्छा लोकी तड़पण डे ने, लोकी तकलीफ च ने, जी और क्या जी वजह जी कि इन्हां नूं तकलीफ महसूस क्यों नहीं हो रही किसे दी? जी इन्हां दे मसाइल होर ने, साडे अवाम दे मसाइल होर ने जबरदस्त जी। इन्हां दे, यानी कि एक अलीट क्लास है, एदा अवाम ना कोई तल्लक नहीं हैगा। वो यूं समझ लो कि सानू वो झूठ समझते नहीं, समझते हैं कि वो अपना 2 नंबर या 3 नंबर दर्जे के लोग ने ना, इन्हों का आपस गठजोड़ है, कदी यानी कि वो इन्होंने लै आते हैं, कदी वो लै आते हैं, फिर जो समझते हैं कि वाम साढ़े दोवों को तंग पी, फिर पीपल पार्टी लै आते हैं। फिर इकट्ठे एक हो। दफा वो वामी बंद आया है, इन्होंने चलन ही दिता। अच्छा ए बड़ी तुसी एक अहम गल की थी ये, जेडी के कई लोगों ने मेरे नाल प्रोग्राम किए इधर तवज्जो नहीं गई कि ये सेकंड क्लास समझते ने या थर्ड क्लास समझते ने कि जी पब्लिक है ये साढ़े मियार दी है ही नहीं, और इसे चीज ने जड़ा वा कि अज पब्लिक के लिए भी परेशानी बनाई दी है, और ये जेडे लोग उत्ते बैठे दे ने ये भी अपनी जिंदगी च मस्त ने, इन्हां नूं कोई एहसास नहीं हो रहा। यही तो मसला है, उन्होंने मसायल होर ने, अवाम के मसायल होर ने, वो अवाम नाल डिसकनैक्ट ने लोग जेड़े ना, वो एक अपने यानी कि सिस्टम के रह रहे ने ना, वो उस सिस्टम के बाहर नहीं निकल रहे। अवाम की आवाज इस वास्ते उन्होंने तक कना तक पहुंच गई। ये तो गल तुहाडी ठीक है, मैं बेशुमार खवातीन दे मर्दां दे प्रोग्राम कीते ने, मगर वो अपना मस्त ने, उन्हां नूं कोई फिक्र ही नहीं किसे नूं नहीं। 8 लाख बंदा साडा चैनल देख रहा इस टाइम। ये बाजवा साहब जड़े ने ना, ये जान वास्ते नहीं आए ना, जो सिस्टम किया है
मार्शल आ लाया जरा हम्म, जरा उन्हें इंपोर्टेंट को मतलब आग बिठा दी आ वो यानी कि खान साहब को तीन जमाता सन वो नहीं संभाली जा रही है। हर बजट से उन्होंने सारे तरले करने पे जा हूँ हाँ कि ऐसी चीज है कि कि अलफी लगी है कि जनाब अपना पीढ़ियां 16 जमाता कट्ठिया लगी कुछ बड़ी गल, ना कुछ तेरे अलफी लगी जबरदस्त। चलो जी, थोड़ा मैसेज पहुंच जाएगा, साडा चैनल देखते जे। जी देखी था थोड़ा माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। चलो बड़ी मेहरबानी। कभी यूरोप च भी चक्कर चुक्कर लगा कि कोरिया च? बस लगा ही ना चक्कर बस अच्छा इस अच्छा तरह। चलो जी, बड़ी मेहरबानी सर, बहुत शुक्रिया टाइम देने का। जी शुक्रिया, थैंक थैंक यू, यू, थैंक यू। सलाम अलैकुम। ना दी, ये बड़ी अहम बात थी कि उनकी जिंदगी और है, हमारा जो जिंदगी का रहन सहन वो और है, उन्हें क्या फर्क पड़ती है। सब्सक्राइब करें, जुड़े रहे हमारे साथ।